नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे जोड़ करना, जिसके अंदर मैंने दो सवाल लिए हैं। ये है बिना हासिल का जोड़, ये है हासिल का जोड़। इसी तरह हम उसके बाद में सीखेंगे घटाव करना, ये है बिना हासिल का घटाव, ये है हासिल का घटाव। इसी तरह हम गुणा सीखेंगे, इसी तरह हम भाग सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं जोड़ करना। तो प्यारे बच्चों, जोड़ का निशान होता है ये। पहला सवाल है कि 243 के अंदर हमें 512 को जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, जोड़ हमेशा इस साइड से शुरू होता है, जो हमारा दाहिना हाथ होता है, इस साइड से जोड़ शुरू होता है। अब चलिए करते हैं जोड़। तो इस साइड से शुरू करेंगे, तीन में दो जोड़ना है, तीन में दो जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन लाइन खींचेंगे, एक दो तीन। अब तीन में दो जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, तीन लाइनों के आगे दो लाइन और खींच लेंगे, एक दो। तो सबसे पहले तीन लाइनें खींच ली, उसके बाद दो और जोड़ना है तो तीन लाइनों के आगे दो लाइनें और खींच ली। अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, यानी एक साथ काउंट कर लेंगे। तो ये है एक दो तीन चार पाँच, तो ये हो गया पाँच। तो इस प्रकार दोस्तों, तीन और दो होता है पाँच। अब चार में एक जोड़ेंगे, तो सबसे पहले चार लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन चार। चार में एक जोड़ना है तो चार लाइनों के आगे एक लाइन और खींच देंगे। अब सभी लाइनों को एक साथ काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब दो में पाँच जोड़ना है तो सबसे पहले दो लाइनें खींचेंगे, एक दो। दो में पाँच जोड़ना है तो दो लाइनों के आगे पाँच लाइनें और खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच। सभी लाइनों को एक साथ काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ये हो गया सात। तो ये तो था प्यारे बच्चों साधारण सा जोड़। अब ये है हासिल वाला जोड़। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जोड़ हमेशा इस साइड से शुरू होता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चार में दो जोड़ना है तो सबसे पहले चार लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन चार। चार में दो जोड़ना है तो चार लाइनों के आगे दो लाइन और खींच लेंगे, एक दो। तो अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, तो ये है एक दो तीन चार पाँच छः। तो चार में दो जोड़ते हैं तो आता है छः। अब दो में नौ जोड़ना है तो सबसे पहले दो लाइनें खींचेंगे, एक दो। दो में नौ जोड़ना है तो दो लाइनों के आगे नौ लाइनें और खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो सबसे पहले दो लाइनें खींच ली, उसके बाद इसके आगे नौ लाइनें और खींच ली। तो अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, यानी एक साथ काउंट कर लेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। तो ये टोटल हो गया हमारा ग्यारह। अब प्यारे बच्चों, 11 के अंदर तो दो अंक है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ एक अंक लिखना है। तो हम यहाँ पर कौन सा अंक लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं और इस प्रकार दो अंकों की संख्या आ जाती है, तब हमें क्या करना है कि जो इस साइड वाला अंक है, जो हमारे दाहिने हाथ की साइड वाला अंक है, जिसे हम इकाई वाला अंक बोलते हैं, ये तो यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक है एक, तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। और जो इस साइड वाला अंक होता है, ये भी यहाँ पर एक है, इसे बोलते हैं हम हासिल। ये बचता है हासिल के रूप में, और इस हासिल को कहाँ पर जोड़ना है? तो हम जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, इससे जो अगली संख्या है, इसके ऊपर इस हासिल को लिख देंगे। तो हासिल हमारी एक, इसको मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब जब पाँच और एक को जोड़ेंगे तो साथ में भी इस एक को भी जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, ये होता हमारा हासिल वाला जोड़। वैसे हासिल वाला जोड़ की कोई विशेष पहचान नहीं होती है, बस ऐसा ही जोड़ होता है। बस हासिल कहाँ पर यूज होती है कि अगर संख्याओं को जोड़ते हैं तो दो अंकों की संख्या आ जाती है, तब हमारी हासिल यूज होती है। कि इस साइड वाला अंक तो लिख देते हैं, और जो इस साइड वाला अंक होता है उसे हम बोल देते हैं हासिल, जिसको हम अगली संख्या के ऊपर लिख देते हैं इस प्रकार। अब पाँच में एक जोड़ना है तो सबसे पहले पाँच लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर मैंने पाँच लाइनें खींच ली। पाँच में एक जोड़ना है तो पाँच लाइनों के आगे एक लाइन और खींच लेंगे। अब बच गई हासिल एक, तो इस हासिल को भी यहाँ पर साथ में लिख देंगे। अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो ये हो गया सात। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा जोड़, जिसके अंदर हमने बिना हासिल का जोड़ भी सीखा और हासिल का जोड़ भी सीखा। अब सीखते हैं घटाव करना। तो अब सीखते हैं प्यारे बच्चों हम घटाव करना। घटाव के अंदर भी मैंने दो सवाल लिए हैं, ये बिना हासिल का घटाव है, ये हासिल का घटाव है। तो घटाव भी, और घटाव का निशान होता है ये होता है घटाव का निशान।
और ये होता है जोड़ का निशान। जोड़ हम सीख चुके हैं, अब सीखेंगे घटाव करना, और घटाव का निशान होता है ये। अब प्यारे बच्चों घटाव भी इस साइड से शुरू होता है, इकाई की साइड से, यानी हमारे दाहिने हाथ की साइड से। तो इस साइड से शुरू करेंगे घटाव करना, नौ में से पाँच घटाना है। अब प्यारे बच्चों घटाव का मतलब होता है कम करना, यानी काटना, काटना या कम करना। तो नौ में से पाँच घटाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नौ लाइन खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब नौ में से पाँच घटाने का मतलब है नौ लाइनों में से पाँच लाइनें काट देनी है, यानी कम कर देनी है। तो इन नौ लाइनों में से हम पाँच लाइनें काट देंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइनें काट देंगे, तो पीछे बच गई हमारे पास एक दो तीन चार, तो ये बच गया चार। तो नौ में से पाँच घटाने पर बचता है चार। अब दो में से एक घटाना है, तो सबसे पहले दो लाइन खींचेंगे। अब दो लाइनों में से एक लाइन काट देनी है, तो ये एक लाइन काट देंगे, तो बच गई हमारे पास है एक, ये एक यहाँ पर लिख देंगे। अब सात में से चार घटाना है, तो सबसे पहले सात लाइन खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात में से चार घटाने का मतलब है सात लाइनों में से चार लाइनें काट देनी है, यानी कम कर देनी है। तो एक दो तीन चार, चार लाइनें काट देंगे, पीछे बच गई हमारे पास एक दो तीन। तो इस प्रकार ये हो गया घटाव, ये था बिना हासिल वाला घटाव। अब आता है हमारा दो नंबर घटाव, इसके अंदर हासिल का यूज होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घटाव इस साइड से शुरू होता है, तो इस साइड से घटाना चालू करेंगे, दो में से छः घटाना है। अब प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि गिनती के अंदर दो पहले आता है, छः बाद में आता है। तो दो छोटी संख्या है, छः बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं काट सकते, कम नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी संख्या पहले से छोटी है। तो इसमें से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम नहीं घटा सकते, नहीं कम कर सकते। तो प्यारे बच्चों अगर ऊपर छोटी संख्या आ जाए, नीचे बड़ी संख्या आ जाए, और हमें घटाना होता है, तो हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हम हासिल का यूज करेंगे। हासिल कैसे लेंगे, तो प्यारे बच्चों हम जिन संख्याओं को घटा रहे हैं, इसे जो अगली संख्या है, इसमें से इस तरफ एक हासिल ले लेंगे। तो यहाँ पर नौ है, नौ में से इस तरफ एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर तो नौ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ में से इस साइड एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर तो एक कम होगा, तो यहाँ पर तो एक कम हो जाएगा, यानी एक लाइन काट देंगे, तो यहाँ पर तो बच गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पर तो बच गया आठ, क्योंकि नौ में से इस तरफ एक हासिल ले ली, तो नौ में से एक कम हो गया, यहाँ पर तो बच गया आठ, और जो हासिल ली थी वो इस दो के आगे इस प्रकार लग जाएगी। अब ये दो नहीं रहा, ये बन गया बारह। अब हम 12 में से 6 घटाएंगे, तो 12 में से 6 घटाएंगे, तो सबसे पहले 12 लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। 12 में से 6 घटाएंगे, यानी 12 लाइनों में से 6 लाइनें काट देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये बची हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः, 6 लाइनें हमारे पास बच गई। तो 12 में से 6 घटाने पर बच गया 6। अब यहाँ पर हम 9 में से 2 नहीं घटाएंगे, बल्कि 8 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि 9 तो पहले था, तो यहाँ से एक हासिल ले लिया, तो यहाँ पर तो 8 ही बचा। अब 8 में से 2 घटाएंगे, तो सबसे पहले 8 लाइनें खींचेंगे, तो 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनों में से 2 लाइनें घटानी है, तो 2 लाइनें काट देंगे, एक दो, तो ये बच गए हमारे पास एक दो तीन चार पाँच, ये बच गया, सॉरी 5 और एक ये 6, तो ये बच गया 6। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब 3 में से 1 घटाना है, तो 1 2 3। अब 3 में से 1 घटाने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 3 लाइनों में से 1 लाइन काट देनी है, तो ये बची हमारे पास 1 2। तो इस प्रकार ये हो गया घटाव, हमने बिना हासिल वाला घटाव भी सीखा और हासिल वाला घटाव भी सीखा। अब हासिल वाला घटाव किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर ऊपर छोटी संख्या आ जाए और नीचे बड़ी संख्या आ जाए, तो हम जानते हैं कि छोटी में से बड़ी संख्या को कम नहीं कर सकते, नहीं घटा सकते, तो हम क्या करते हैं, जो आगे वाली संख्या होती है उसमें से इस तरफ एक हासिल ले लेते हैं। बस ये होता है हमारा हासिल वाला घटाव। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों गुणा करना, और उसके बाद सीखेंगे भाग करना। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हम गुणा करना, और प्यारे बच्चों गुणा का निशान होता है ये होता है हमारा गुणा का निशान। तो चलिए करते हैं गुणा। तो प्यारे बच्चों 34, यहाँ पर गुणा का निशान यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है कि हमें 34 को 2 से गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस 2 का सबसे पहले 4 के साथ करेंगे, फिर इस 2 का इस 3 के साथ करेंगे, यानी हम इस साइड से शुरू करेंगे और इस तरफ चलते जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरफ चलते जाएंगे। तो 2 का गुणा 4 के साथ करने का मतलब है कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे,
तो दो चौके होता है आठ, क्योंकि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीत है, दो चौके आठ, तो ये आ गया आठ। अब दो का पारा तीन बार पढ़ेंगे तो दो तिया होता है छः, तो इस प्रकार 34 को दो से गुणा करने पर आता है 68। अब 54 को गुणा करना है तीन से, तो सबसे पहले तीन का चार बार पारा पढ़ेंगे, उसके बाद तीन का पाँच बार पारा पढ़ेंगे, तो तीन का पारा चार बार पढ़ेंगे तो तीन चौके होता है 12, क्योंकि तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तीनों तीन चौके 12, तो तीन का पारा चार बार पढ़ेंगे तो आएगा 12। अब यहाँ पर तो हमें तो सिर्फ एक अंक लिखना है, तो यहाँ पर जो इस साइड वाला अंक होता है, हमारे दाहिने हाथ वाले साइड वाला यानी इकाई की तरफ वाला जो अंक होता है, यहाँ पर दो है, ये तो यहाँ पर लिख देंगे, और जो इस साइड वाला अंक होता है इसे बोल देते हैं हम हासिल, ये बच गया हासिल के रूप में। अब हासिल कहाँ पर जोड़ेंगे, तो तीन को चार से गुणा कर दिया तो आ गया 12, 12 का इस साइड वाला दो तो यहाँ पर लिख दिया, और इस साइड बच गया हमारा एक, ये बच गया हासिल। अब तीन का पाड़ा पाँच बार पढ़ेंगे तो तीन पंजे होता है 15, और 15 के अंदर ये एक हासिल जोड़ देंगे, इस हासिल को यहाँ पर लिख देते हैं। तो तीन का पहाड़ा पाँच बार पढ़ा तो तीन पंजे होता है 15, और 15 के अंदर ये एक हासिल जोड़ देंगे तो 15 और एक होता है 16, तो ये हो जाएगा 16। और जोड़ना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया, 15 में जब आप एक जोड़ोगे तो आएगा 16, यानी सबसे पहले 15 लाइनें खींचोगे, उसके बाद एक उसके आगे एक लाइन और खींचोगे, तो सभी लाइनों को जब आप गिनोगे तो ये आएगी हमारे पास 16 लाइनें। तो इस प्रकार 15 और एक हो गया 16। तो इस प्रकार 54 को 3 से गुणा करने पर आता है 162। अब 542 को 4 से गुणा करना है, तो सबसे पहले 4 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, फिर 4 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, इस साइड से शुरू करते हैं और इस तरफ चलते जाते हैं। तो 4 का पाड़ा 2 बार तो 4 दुए 8, 4 का पाड़ा 4 बार तो 4 चौके होता है 16, 16 के अंदर दो अंक है, तो इस साइड वाला अंक यानी 6 तो यहाँ पर लिख देंगे, और इस साइड वाला अंक यानी 1 ये बच गया हासिल के रूप में, और इस हासिल को लिख देंगे अगली संख्या के ऊपर। तो हम 4 का 4 के साथ गुणा कर रहे हैं, तो 4 से अगली संख्या है 5, इसके ऊपर इस एक हासिल को लिख देंगे। अब 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंजे होता है 20, 20 में ये एक हासिल भी जोड़ देंगे, तो 20 और एक होता है 21। जब आप 20 में एक जोड़ोगे तो ये आएगा 21। तो इस प्रकार ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा गुणा करना, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक अंक का गुणा ही सीखा है। तो प्यारे बच्चों अब सीखेंगे हम भाग करना, तो भाग के अंदर भी हम छोटे छोटे भाग करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों पहला भाग है ये इस प्रकार है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 35 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब है 35 के अंदर हमें 2 का भाग देना है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको करना क्या है कि ये बीच वाली संख्या लेनी है, इसमें जो पहला अंक है ये आपको देखना है, तो ये पहला अंक है हमारे पास 3। अब आपको क्या करना है कि ये जो साइड वाली संख्या है 2, अब आपको इस 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है कि या तो 3 आ जाए या 3 से छोटी संख्या रह जाए, 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो जब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो आता है 4, और 4 तो 3 से बड़ा हो गया, तो हमें 3 से बड़ी संख्या नहीं करनी है, 3 के बराबर हो सकती है या इसे छोटी हो सकती है, इसे बड़ी नहीं करनी है। तो हम 2 का पाड़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। 2 का पाड़ा एक बार पढ़ा उसको तो यहाँ पर लिख दिया, 2 का पाड़ा एक बार पढ़ने पर आता कितना है, तो 2 एकम 2, तो 2 का पाड़ा एक बार पढ़ने पर 2 आता है, उस 2 को इस 3 के नीचे लिख देंगे। अब 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 1, घटाना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। अब 3 के अंदर भाग दे दिया, अब 3 से अगली संख्या है 5, 5 को यहाँ पर उतार देंगे। अब प्यारे बच्चों हम 2 का पाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 15 आ जाए या 15 से छोटी संख्या रह जाए, 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पाड़ा जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो आता है 2 7 14, और जब 2 का पाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 होता है 16। तो प्यारे बच्चों 16 तो 15 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 15 से बड़ी संख्या नहीं करनी है। तो 2 का पाड़ा हम 8 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 2 का पाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 2 का पाड़ा 7 बार पढ़ा उसको तो यहाँ पर लिख दिया, 2 7 होता है 14, 14 को इस 15 के नीचे लिख दिया, 14 अब 15 में से 14 को घटा देंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में से 4 घटाने पर 1 बचता है। तो घटाव कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऊपर सिखा दिया। तो ये हो गया पहला भाग, अब आता है दूसरा भाग। अब प्यारे बच्चों दूसरा भाग है कि 26 के अंदर हमें 3 का भाग देना है। तो मैंने आपको बताया कि ये बीच वाली संख्या देखनी है, इसका पहला अंक लेना है, तो पहला अंक हमारे पास 2,
वो साइड वाली संख्या हमारे पास 3 है। अब मैंने आपको बताया कि इस संख्या का पाड़ा आपको उतनी बार पढ़ना है कि या तो ये संख्या आ जाए या इससे थोड़ी छोटी रह जाए, इस संख्या से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन पहले बच्चों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 2 है ये 3 है, और 2 तो इस 3 से पहले से छोटा है, तो 3 के पाड़े में 2 तो कहीं पर भी आएगा नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर ये संख्या छोटी आ जाए ये बड़ी आ जाए तो हम इस संख्या के अंदर इसका भाग नहीं दे सकते। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर तो क्या था कि ये 3 था ये 2 था, ये 3 पहले से ही बड़ा था इस संख्या से, तो इसके अंदर आसानी से भाग चला गया क्योंकि यहाँ पर जो 2 छोटी है तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे तो 2 का पाड़ा एक बार चला गया। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है ये इस 3 से पहले से ही छोटी है तो 3 के पाड़े में कहीं पर भी नहीं आती है। जब 3 का पाड़ा एक बार पड़ेंगे तो ये पहले से ही इससे बड़ा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर पहला अंक छोटा आ जाता है इस संख्या से तब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तब हम 2 संख्याएँ लेते हैं। जब ये संख्या इस संख्या से छोटी हो जाती है तब हम 2 संख्या शामिल कर लेते हैं। अब हम 3 का पाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 26 आ जाए या 26 से छोटी संख्या रह जाए, 26 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 3 का पाड़ा हम पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। तो 3 का पाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो आता है 27। 27 तो 26 से बड़ा हो गया, 26 से बड़ी हमें नहीं करनी है। तो 3 का पाड़ा 9 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 3 का पाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 होता है 24, उस 24 को 26 के नीचे लिख देंगे। अब 26 में से 24 को घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा भाग करना। भाग के अंदर मैंने आपको 2 भाग सिखा दिए प्यारे बच्चों कि ये जो संख्या ये बड़ी आ जाए इस संख्या से तो कैसे भाग करते हैं, और अगर ये पहली संख्या इस संख्या से छोटी आ जाए तो कैसे भाग करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने सीखा जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। धन्यवाद।